और सर आप क्या बोलते हैं, सोल्जर है तो सर आप इंडियन फ्लैग गलत कैसे लगा दिए सर? तो मैंने वहाँ जा गया, उसका क्यूआर कोड दिखाया, क्यूआर कोड लिया, खुल गया, पेमेंट फोटो लगा के रखा है, फौजी है। मैंने पूछा आप फौज में हैं? बोले जी हाँ। बोले कि वाह जी, अच्छा लगा बात करके आपको, मेरी तरफ से सैल्यूट है। तो बोला थैंक यू। तो गाइस गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग हमेशा की तरह जा रहे हैं दोस्तों मॉर्निंग वॉक पे कोला नगर को फिटनेस को रखने के लिए। तो अभी हम लोग दोस्तों निकल रहे हैं, जस्ट अभी 5:15 बज रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है गाइस, बने रहिए वीडियो में। और कितना भीड़ है सियासत ऑफिस के बाहर। तो गाइस लोग अभी हम लोग आ चुके हैं सियासत ऑफिस के बाहर। यहाँ पर बहुत लंबा लाइन लगा हुआ, काफ़ी भीड़ है यार। आज चल रहा है दोस्तों गर्ल्स का फिजिकल टेस्ट, जिसमें मतलब हाइट वगैरह और क्या क्या बॉडी स्टैंडर्ड्स होता है मतलब लड़की के लिए ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस अभी फिलहाल मॉर्निंग वॉक से वापस आ चुके हैं और देखिए मेरा बिस्तर पूरा भी पूरा मेस्ड अप है एकदम। और इसी के अंदर हम बैठ के अभी मस्त एडिटिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि मच्छर बहुत काटता है यार। आप लोग भी सोचोगे कैसे रहता है आदित्य डीवीडी। तो अभी हम एडिटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम लोग किचन आए, देखिए मम्मी ने आज बहुत ही डिलीशियस डिश बनाया है। कुछ क्या है बोलते मम्मी इसको? साबुदाना बड़ा बना है, धनिया और दही का चटनी है। ये जो बना है ना दोस्तों साबुदाना बड़ा, ये बहुत ही डिलीशियस लगा खाने में, जो कि मम्मी ने बनाया। मम्मी का चैनल पे पूरा एकदम इसका किया हुआ डिश। पूरा रेसिपी देखना है तो आप रसोई चैनल पे जाइए, रसोई क्वीन पे। और ये देखिए कितना कुरकुरा है, एकदम पूरा क्रिस्पी बना है। चलो यार अभी हम इसको टेस्ट करते हैं एक ठो। आप लोग भी बनाइए और खाइए। बहुत ही डिलीशियस बना गाइस। हे एवरीवन माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका फ्रेंड आदित्य, आप देख रहे हैं टीवी। एंड गाइस आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, हेल्दी होगे हमेशा की तरह। तो गाइस यार चलो यार आज का व्लॉग स्टार्ट करते जल्दी से, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। और थैंक यू सो मच गाइस, जितने लोगों ने भी मेरा रील्स दोस्तों बहुत पसंद किया है। तो मुझे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग आप लोग इतना प्यार दोगे उस रील्स पे, और बहुत ही ज्यादा व्यूज गया उस पर, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो गाइस मैं दिन में कुछ काम से गया हुआ था स्टेशन, तो वहाँ पर देखा मैंने एक आदमी लड़ाई कर रहा है। तो गाइज यार वंस अगेन वेलकम बैक, पैम 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 पैम। गाइज इतना एक्साइटेड हूँ मैं, चलिए शुरू करते, बताते हैं क्या हुआ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। मुझे कॉल आया, बेसिकली मैंने 2 दिन पहले एक ओएलएक्स पे ऐड डाला था। आप लोग जानते हो मेरे पास एक हेडफोन है साउंड कोर का, एएनसी वगैरह सब है, जबरदस्त हेडफोन है। जॉब उप कर रहा था उस टाइम पे मैंने लिया था जोश जोश में, अभी उतना यूज आता नहीं, तो मैं सोच रहा था सेल आउट कर दूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो बताइएगा। पहले मैसेज आया था कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, अपना फ़ोन नंबर कल रात में उन्हें भेजा था, और अभी शाम में मुझे कॉल आया। तो मैंने बोला आपको, मैं आप वही हो ना जिनको मैंने नंबर शेयर किया था? उन्होंने बोला हाँ सर, मैंने ही आपसे नंबर मांगा था, तो आप अगर भी वो सेल आउट करने के लिए रेडी हो? मैंने बोला हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही ऐड डाला है, बहुत बढ़िया बात है इतना जल्दी रिस्पॉन्स आ गया। तो उन्होंने पूछा आपका लास्ट प्राइस क्या है? तो मैं समझ गया कि बार्गेनिंग वगैरह करेंगे ये वो हैन तेन। फाइनली मैंने बोल दिया यार 4,000 से कम नहीं दूंगा, अगर आपको लेना है तो बताइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। उन्होंने बोला ठीक है सर हम ले लेंगे। और मैंने पूछा आप कहाँ से हो? पहले तो उनका फ़ोन बहुत अटक रहा था गाइस, समझे, पहले आवाज़ मतलब अटक अटक के आ रहा था, कनेक्ट कनेक्ट होके आ रहा था, फिर कभी क्लियर आ रहा है, फिर कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जा रहा है। तो मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है कि पता नहीं क्या जैमर उमर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, मैं अभी समझ रहा हूँ, उसमें नहीं लग रहा था मुझे। तो उसके बाद फिर वो बोल भी रहा है सर अभी आ रही मेरी क्लियर आवाज़, अभी आ रही है। तो मैं समझ गया उसे पता है कि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं आपको पूरा स्टोरी बता रहा हूँ, आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा ठीक है, क्या अभी स्कैम होने वाला था मेरे साथ जबरदस्त वाला। मैंने पूछा कहाँ से यार? तो उन्होंने बोला पुरुलिया। मैंने बोला पुरुलिया जो झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल से सटा हुआ पुरुलिया वही ना? बोले हाँ हाँ ठीक है, तो आप कब लेना चाहोगे? तो उन्होंने बोला आप जब दे दो। मैंने बोला आप जब कम्फर्टेबल हो, मैं तो रेडी हूँ सेल करने के लिए, मेरा इतना कुछ यूज़ हुआ नहीं है। उन्होंने पूछा पहले कि आप क्यों बेचना चाहते हो, ये जेन्युइन जेन्युइन होता है, जैसे जेन्युइन सवाल पूछा जाता है एक बायर और सेलर के बीच में। मैंने बोला 1-1.5 साल हुए मुझे लिए हुए, बट यूज़ आता है नहीं है कभी, पब्लिक प्लेसेस में यूज़ ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो मोबाइल पे ही सुन लेता हूँ गाने वगैरह। उन्होंने बोला कि ठीक है वो 2 घंटे में प्रोडक्ट ले जाएंगे। मैंने बोला 2 घंटे में ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी हूँ। उन्होंने बोला वो अपना उनका लाखों का कारोबार, बोल रहे मेरा लाखों का कारोबार है, तो ये सब चीज़ छोटा मोटा हम लोग बस खरीदते हैं और सामने वालों को सेल आउट करते हैं। तो मुझे लगा भाई कैसीफाई टाइप का होगा या फिर रिफर्बिश करके फ्लिपकार्ट पे ये लोग सेल करते होंगे, तो मुझे भी लगा हाँ भाई चलो जेन्युइन टाइप का बोल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है आप भेज दो बंदे को, मैं आप उनको पकड़ा दूंगा, हैंड कर दूंगा, पैसे भेजवा देना। उन्होंने बोला कि आप अपना नंबर वगैरह बता दो, मैं यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करवा देता हूँ, पैसे पहले पे कर दूंगा, बाद में लड़के को भेज दूंगा मैं यहाँ से, तो आप उसको सामान वगैरह चेक करा देना, फिर आप दे देना उसको। मैंने भी सोचा था ठीक है भाई, पेमेंट के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है, जबकि पहले सामान आदमी लेता तो वेरीफाई करता है। फिर उन्होंने बोला कि आप व्हाट्सएप पे हाई करके भेज रहे हैं, आप उस पर सारा एड्रेस वगैरह भेज दो। मैंने बोला ठीक है भाई एड्रेस भेज देते हैं, एड्रेस भी मैंने भेज दिया, आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, नंबर भी दिखा दे रहा हूँ, कौन सा नंबर से मुझे कॉल आया था और कौन से नंबर पे मुझे व्हाट्सएप आया है। उन्होंने बोला कि अकाउंटेंट को कॉल आएगा, वो आपको पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कर देगा अपने अकाउंट से,
तो आप अपना ये नंबर चालू रखना, आप उसको व्हाट्सएप पे कॉल करेगा चाहे आपको कॉल करेगा, तो थोड़ी देर बाद उसका अकाउंटेंट कॉल आया, जैसा कि उसने कहा कि अकाउंटेंट या मैनेजर उसका कॉल किया। फिर मैंने उसको फोटो खोला तो फोटो में फौजी का फोटो लगा हुआ है गाइस, फौजी का। उसका भी मैं आपको नंबर शो कर दे रहा हूँ क्या नंबर है, ठीक है। और मेरे पास देखिए रिकॉर्डिंग तो होता नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग आईफोन में होता नहीं है गाइस, तो वरना मैं रिकॉर्ड कर लेता, मुझे डाउट होता तो, मुझे डाउट ही नहीं था। मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, स्पीकर है मेरे पास ब्लूटूथ, वो भी मुझे सेल आउट करना है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको तो बड़ा बिजनेस है तो आप डायरेक्ट आप मैं आप ही से डील कर लेता हूँ। मैंने थोड़ा स्पीकर का दाम बढ़ा करके बोला तो उसमें भी एग्री हो गया, बोला ठीक है मैं आप दोनों का बता दो जोड़ कितना हुआ। मैंने बता दिया भाई कि हम आपको 10,000 भिजवा दे रहे हैं अभी तुरंत, आपको कॉल आएगा उस पर फिर मैं अपने बंदे को भेज दूंगा। हम बोले भाई साहब जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा बंदा कोई मिला कि जो भाई पहले पैसा पेमेंट कर दे रहा, मतलब 2 मिनट के अंदर उसका आदमी वहाँ से निकला भी नहीं है और कोई एड्रेस वेरिफिकेशन कुछ नहीं। ठीक है एग्री हो गया 10,000 रुपये देने के लिए। उसका कॉल आया ठीक है उसका मैनेजर का, हाँ सर मैं उनका मैनेजर बोल रहा हूँ, सर आप ऐसे से पेमेंट करना है। बोले हाँ सर हाँ ठीक है। इतना बड़ा वो दोगला इंसान था स्टाफ, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, सुनिए क्या क्या बोला वो। 10,000 पेमेंट करना है तो आपको किस तरह से भेजूँ, पहले आपको सर कंफर्मेशन करना होगा। हम बोले ठीक है तो कंफर्मेशन कैसे करना होगा। बोला कि मैं सर पहले आपके अकाउंट में 1 रुपये भेजूंगा, आपका वहाँ पे नाम दिखा रहा है, ये पूरा नाम बताया, बैंक अकाउंट का जो नंबर है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा, QR कोड था वो, उसमें क्या लिखा हुआ था दोस्तों, QR कोड था और ऊपर लिखा हुआ था आर्मी अकाउंट गवर्नमेंट अकाउंट। हम बोले भाई ऐसा QR कोड किसका होता है भाई, चाहे वो CM ही क्यों ना हो, चाहे PM ही क्यों ना हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन ही क्यों ना हो, किसी का मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लिखा रहता है कि VIP QR कोड है। QR कोड सिर्फ QR कोड ही रहेगा, उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि ये बंदा है, ये डिपार्टमेंट है, ये वो फलना डिपार्टमेंट है, चिलना डिपार्टमेंट है। समझ गए भाई ये दिमाग के साथ खेलने वाला चीज़ है और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने वाला चीज़ है। फोटो में आर्मी का बंदा है, आवाज़ भारी अब बंदे का लग रहा है, आवाज़ लग रहा है कोई अंकल उंकल का है, फोटो लगा के रखा है फौजी है। मैंने पूछा आप फौज में हैं, बोले जी हाँ। बोले कि वाह जी अच्छा लगा बात करके, आपको मेरे तरफ से सैल्यूट है। तो बोला थैंक यू। साला शर्म आता है, फौजी लोग यहाँ पे हमारे देश को जान दे रहे हैं, अपना मतलब जी जान लगा के घर द्वार छोड़ के मतलब जान जोखिम में डाल के वहाँ सरहद पे लड़ाई कर रहे हैं और ये लोग उनके नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए कौन कितना प्यारा स्वीट सा बंदा का चेहरा था, उसको यूज़ करके ये लोग गलत काम कर रहे हैं। और उसके बाद उसने बोला कि मैं 1 रुपये भेज रहा हूँ ऐसे से कीजिए, तो भले QR कोड क्यों भेज रहा है भाई। मैंने ये सोचा QR कोड क्यों भेजा, जब उसको पेमेंट करना है तो आप पेटीएम ऐप पे जाइए। बोले पेटीएम ऐप पे गए, बोले नीचे देखिए सो QR कोड दिखा रहा है। बोले हाँ, उस पर क्लिक किया, बोले आपका कैमरा खुल गया होगा। बोले हाँ। तो बोला देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड करने के लिए गैलरी का, तो मैंने वहाँ जा गया, उसका QR कोड दिखाया, QR कोड लिया, खुल गया पेमेंट, मतलब इधर से पेमेंट होने वाला ऑप्शन खुल गया। हम समझ गए कि भाई उधर से पेमेंट करने वाला है, तो इधर से पेमेंट का ऑप्शन क्यों खुल गया। बोले सर आप 1 रुपये भेज के देखिए ना, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा, उसको फिर मैं आपको इधर से 1 रुपये रिटर्न हो जाएगा, उसका फिर सारा पैसा चला जाएगा। हम समझ गए भाई, जामताड़ा के बंदे, पुरुलिया के बंदे भी सब एक ही है, मतलब यही झारखंड धनबाद जो है ना गाइस, धनबाद के इधर से एक ले रहा है जामताड़ा, धनबाद के उधर से एक ले रहा है पुरुलिया से, सब लोग धनबाद को घेर रहे हैं। धनबाद वालों, अंकल आंटी यूथ लड़के बच्चे जितने लोग भी है, आप लोग संभल जाओ ठीक है। कभी भी उधर से पेमेंट QR कोड कभी भी स्कैन मत करना, सीधे हम समझ गए, इसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, जानने कोशिश करो मैटर को, बेशरम होके पूछो, दिमाग खपाओ उसका सामने वाला का, ताकि उसका अंदर से कुछ एक्स्ट्रा बात निकले जो अनऑफिशियल लगे, समझ गए। अब सुनिए मेरी बात, मैंने उसने मुझे बोला कि हाँ ठीक है पेमेंट भरना करना होगा। मैंने बोला कि सर आपने भी बोला है कि आप उधर से पेमेंट करोगे, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो। बोले हाँ सर मुझे ही पेमेंट करना है, आपको नहीं करना है। मैंने बोला हाँ ठीक है समझ गया मैं, आप मुझे नहीं करना है, तो आप फिर यहाँ से पेमेंट इधर से क्यों खुल रहा है। बोले हाँ सर देखिए ना QR पर टच कीजिए, वहाँ दिखाई वहाँ 1 रुपया आप उसको तुरंत भेज के देखिए ना, वो 1 रुपया आपको तुरंत रिफंड भी हो जाएगा। हम बोले कि सुन भाई फ़ोन रख, माथा मत खराब कर, समझा। हम समझ गए तेरा काम क्या, तुरंत फ़ोन काट दिया गाइस, तुरंत फ़ोन काट दिया। और हम अकेले ही बैठे हुए थे गाइस, हम समझ गए कि बेटा बाप से हंसी आ रही। पहले कभी मेरे साथ हुआ नहीं, घर वालों के साथ भी नहीं हुआ भगवान की कृपा से, बट ये सब चीज़ दोस्तों समझते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। वो सिंपल सा चीज़ है, आप ये पता जान करके रखो, उसको फिर आपको कोई बुड़बक नहीं बना सकता, कोई कितना भी कुछ कहे। फिर मैंने फ़ोन कट किया, उसके मालिक को फ़ोन किया दोबारा, मालिक चाहे जो भी मालिक बनकर फ़ोन कर रहा था, मैंने उसको बोला कि हाँ भाई आपका बंदा फ़ोन किया, पैसा इधर से मांग रहा है। नहीं नहीं सर उसको पे करना है। हम बोल रहे हैं कि QR कोड भेजा इधर से उधर से, बोल रहा है पे करने को। हाँ सर 1 रुपया आपको भेजना होगा, और सर आपको जैसे इधर से आपको उधर से जैसे आपको जितना बन रहा है 10,000,
तो आपके अकाउंट में भी 10,000 होना चाहिए, तभी वो आपके अकाउंट में आएगा। हम बोले ऐसा कौन सा सिस्टम है भाई कि उधर से 10,000 उसको भेजेगा अगर मुझे, तो मेरे अकाउंट में 10,000 होना चाहिए। हम बोले सीधा सर मेरे पास मेरे अकाउंट में 0 रुपीज़ है, तो हम कैसे भेजें? तो बोलते आप किसी अपना फ्रेंड से 1 रुपये ले लीजिए और मुझे भेज दीजिए। हम बोले सर मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना कोई घर में है रिलेटिव, कोई नहीं, मैं गरीब आदमी है। तो बोले सर देखिए हम लोग थोड़ा लाखों में खेलने वाले आदमी हैं, हम लोग बड़े आदमी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हम लोग का ऐसा सिस्टम रहता है। बोले ऐसा कौन सा सिस्टम रहता है भाई? बोले आपके पास कोई और पेमेंट मेथड है? बैंक अकाउंट नंबर भेजूँ मैं आपको अपना, आप उस पर पेमेंट कर दो। तो बोले नहीं सर हम लोग का क्या बोला, खतरनाक सा वर्ड यूज़ किया था, हम लोग का इंट्राटेक टेक्नोलॉजी करके कुछ बोला। बोले सर सुनिए, आपका लाखों का बिजनेस होगा, करोड़ों का बिजनेस होगा, अरबों का बिजनेस होगा, आई डोंट गिव ए शिट, बस आप हमको कोई और मेथड बताइए जिसको आप हमको पेमेंट कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, चाहे कोई और UPI पेमेंट नंबर पे, हम इधर से 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं भेजने वाले हैं आपको, बस जान लीजिए। बोला सर देखिए ऐसे काम नहीं होता। हम लोग बोला सुनिए फ़ोन रखिए, हम आपको कुछ, मुझे आपको कुछ नहीं बेचना है, भाड़ में जाइए। फ़ोन रख दिया चुपचाप, ठीक है हम तो समझ गए, बट यार मुझे बुरा उन लोगों के लिए लगता है जो लोग फंस जाते हैं। मेरा खुद एक दोस्त है, एक उसके फादर और वो दोनों एक एक बार फंस चुका है कॉल वाले मैटर पर। देखिए फंसता ऐसे टेक्निकल ही नहीं है, वो आपके साथ बात करके, आपको इंगेज करके, आपको डिस्टर्ब करके, आपके साथ खेल करके पैसे ले जाएगा। पैसा लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट आपके साथ मानसिकता के साथ, बातों के साथ खेल के, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, तो दोगला वाला बात करेगा, कभी बोलेगा हाँ, कभी बोलेगा नहीं, फिर कन्फ्यूज़ करेगा, फिर हाँ बोल के आपसे ले लेगा। तो गाइस अभी मैंने व्हाट्सएप चेक किया है तो ऑनलाइन था वो बंदा, ठीक है, जो मुझे पेमेंट करने वाला था उनका, उसका मैनेजर। तो मैंने उसे बोला कि सर आप तो सोल्जर हैं, तो आप अपने नाम में नीचे वो जो नाम डिस्प्ले नाम जो रखा है व्हाट्सएप वाला, उसके बगल में कोई और कंट्री का फ्लैग है, ऑरेंज वाइट और ग्रीन है, बट वो ट्राई कलर नहीं है, इंडिया का फ्लैग नहीं है। तो मैंने बोला सर आप सोल्जर हो बट इंडिया का फ्लैग गलत क्यों लगा के रखे हो? पट से वो मुझे ब्लॉक कर दिया। यार ये लोग फ्रॉड लोग ना, ठीक से चोरी भी नहीं कर पाता चोर लोग। अब उसको फ़ोन करते हैं अकाउंटेंट को, चलिए मजा लेते हैं। देखिए उसका नंबर सेकंड नंबर पे, ठीक है आपको दिखा दे रहा है। हाँ सर, आप बोलिए। हाँ सर, आपको पेमेंट का कोई मेथड नहीं बताया अगला, दूसरा कोई मेथड नहीं है, ठीक है ना? और सर आप क्या बोलते हैं, सोल्जर है तो सर आप इंडियन फ्लैग गलत कैसे लगा दिए सर? हेलो, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया रे फ्रॉड? ए फ्रॉड, फ्रॉड पकड़ाया। तो गाइस कमेंट्स में आप लोग बताना यार, जो मैंने आपको पूरा कन्वर्सेशन बताया, जिनके बारे में बताया, वो आपको फ्रॉड लगता है कि नहीं? ठीक है, मैंने तो आपको सब चीज़ सामने बता दिया, मुझे लगता है कि नहीं वो तो मैं अपने मन में रखूंगा, आपको लगता है कि नहीं आप लोग कमेंट बताना। तो बच के रहिएगा, एक साथ वीडियो को एंड करते, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वरना ज्ञान की बातें थी, ज्ञान की बात हो गई, बाकी अपनी रक्षा खुद स्वयं करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद, लव यू सो मच।